देवघर में एम्स के उद्घाटन को लेकर शुरू हुई सियासत, बीजेपी महागठबंधन के बीच तुतुमैमे जारी, बीजेपी सांसद पर लगा आरोप। झारखंड में करोड़ों का हुआ घोटाला, 12 निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत हुई लूट, 7.78 करोड़ का लगा चंपर। सरकार के दावों को अंगूठा दिखाते हालात, झरिया में पेट पालने के लिए सैकड़ों लोगों की जीविका का जरिया बना कचरे का ढेर। और धनबाद की नेशनल शूटर कोनिका को मिला सोनू सूद का साथ, खेलने के लिए भेजी 2.5 लाख की जर्मन राइफल, शूटर ने ट्वीट कर मांगी थी मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला जान। खबर झारखंड में, सबसे पहले बात करेंगे देवघर की, जहां देवघर में एम्स के उद्घाटन को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए महागठबंधन के नेताओं ने चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि संथाल परगना क्षेत्र के लिए साल 2013 में एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी, जिसका निर्माण 2016 से शुरू हुआ और अब बनकर तैयार है, लेकिन इसके उद्घाटन को लेकर तू मैं अब भी जारी है। यह अस्पताल केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया है और इसके बाद रेगुलर निर्देशन होने के कारण एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मुख्यमंत्री से मिलकर उद्घाटन की स्वीकृति मांगी थी और कोरोना काल को देखते हुए उद्घाटन कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से तय किया गया था, लेकिन कार्यक्रम स्थगित होने के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई और इसको लेकर अब कांग्रेस विधायक का क्या कहना है, जरा ये सुनिए। देता हूँ, कहाँ नहीं खुला है जो उद्घाटन होगा, जमीन हमारा है, सब कुछ हमारा है, कुछ धमकी देखे क्या है कि नहीं, हमको नहीं बुलाएगा तो ईंट से ईंट भेजा देंगे, तुम्हारी फान सारी खा रहेगा, याद रखिएगा। उनकी शिकायत हर्षवर्धन से भी की गई, स्वास्थ्य मंत्री है। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है उद्घाटन करने के लिए, जमीन हमारा है, हवा ऊपर से हवा हवा ट्वीट के माध्यम से कहेगा कि नहीं हम जाके वहाँ नहीं होने देंगे, दिखाई दे गर्मी, देखते कितना गर्मी है। और एम्स में उद्घाटन को लेकर जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का भी बयान सामने आया है, बीजेपी महागठबंधन के नेता अब आमने सामने हो गए हैं, सांसद निशिकांत दुबे पर गंभीर आरोप भी लगाया गया। बता दें एम्स उद्घाटन को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है और अब राजनीति शुरू हो चुकी है। और गढ़वा जिले के 12 निजी अस्पतालों की ओर से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में 7.78 करोड़ रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ है। इस बाबत गढ़वा के डीसी राजेश कुमार पाठक ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की। बता दें कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने के बावजूद इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है, लेकिन जब सूची में दर्ज चिकित्सा कर्मियों की अस्पताल उपस्थिति की औचक जांच हुई तो वे नदारद दिखे। तो गढ़वा में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है और ये घोटाला हुआ है आयुष्मान योजनाओं के तहत। जी हाँ, आयुष्मान योजना के तहत ये घोटाला हुआ है, जिसमें अस्पतालों में चिकित्सा कर्मी मौजूद नहीं है, बिना स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सा कर्मियों के ही अस्पताल चलते हैं। और ये सिर्फ एक अस्पताल की स्थिति नहीं है, ऐसे 12 अस्पताल हैं गढ़वा में जहां पे चिकित्सा कर्मी मौजूद नहीं होते हैं। और वैश्विक महामारी कोरोना से एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कईयों का रोजी रोजगार भी छिन गया है। दूसरी ओर इस महामारी में पीड़ित लोग अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढ भी रहे हैं, उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं जो क्षेत्र छोड़कर गायब हो चुके हैं। और इसी कड़ी में राजधानी रांची से सटे इलाके खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनता ने अपने विधायक की तलाश के लिए पोस्टर चस्पा किया है। दरअसल खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश कक्षप हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों का हाल नहीं जाना है, जिससे नाराज जनता ने अपने विधायक की तलाश शुरू कर दी है, जिसको लेकर अब विपक्षी दलों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। खिजड़ी के विधायक राजेश कक्षप जी का जो पोस्टर पूरे तरीके से उनके क्षेत्र में चिपकाया गया है, उसमें साफ है कि वो अपने क्षेत्र में दिखते नहीं है, जनता की समस्याओं के प्रति वो सजग नहीं है। पर सिर्फ उनकी बात नहीं करें, अगर महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके सारे विधायक ऐसा लगता है कि गायब हो गए हैं जनता के बीच से और अपने गेटिंग सेटिंग में लगे हैं। केंद्र और राज्य की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती है, गरीब
निसहाय लोग की असहाय लोगों की पेट भरने और भूख मिटाने को लेकर लुभावने वादे करती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि भूख मिटाने के लिए युवतियां मानव तस्करी का शिकार हो जा रही हैं। ये जरा रिपोर्ट देखिए। कितना पढ़ाई कर रही है? सुना आपने, प्रतिभा भी है, पढ़ने की ललक भी है, लेकिन गरीबी ने बिकने पर मजबूर कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मानव तस्करी की शिकार ये बच्ची खुद कह रही है। मैं दिल्ली जाना चाह रही थी और मैं बहुत गरीब परिवार की थी और इतना पैसा देंगे बोला, फिर बहलाया फुसलाया, नहीं मतलब अच्छा काम लगा देंगे, दिलवा देंगे बोला। दरअसल केंद्र और राज्य की सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती है। गरीब निसहाय लोगों की पेट और भूख मिटाने को लेकर रोजगार और तरह तरह के लोक लुभाने वादे करती है। शहर हो या गांव, नई नई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण कर बेहतर हालात बनाने की दावा तो करती है, लेकिन स्थितियां सुधर नहीं पाती है। हालात ऐसे हैं कि गरीबी का सितम और कमबख्त पेट की भूख मिटाने के लिए लोग बिकने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसका नजारा झारखंड के गुमला में देखने को मिला है। मामला झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत जारी और डुमरी प्रखंड की है, जहां उड़ीसा निवासी मंटू दास नाम के एक युवक ने पैसा कमाने और बेहतर नौकरी का झांसा देकर झारखंड की 3 नाबालिग युवतियों को दिल्ली ले जा रहा था, जिसे संदिग्ध अवस्था में देखकर रांची रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पूछताछ के दौरान मंटू को गिरफ्तार किया और युवतियों को उससे मुक्त कराया। आदमी जो है उड़ीसा का, पैसे से वो मानव तस्करी का ही काम करता है, जिसका अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है दिल्ली में, और लोगों के कहने पर बच्चियों को काम में लगाता है। लोगों को बहला फुसला के ले जाया जा रहा था स्टेशन में। हमारा टीम है वहाँ पे आरती एक, जिनसे हम लोग हमेशा समस्या बैठा करके अपना काम करते हैं, तो उनको सूचित किया गया, जिसके बाद फिर सारे बच्चों को निरुद्ध करके रखा गया संरक्षण में, और उस मानव तस्कर को आज हम लोग लगभग 2:30 बजे थाना पहुँचे हैं, प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। वही मानव तस्करी से मुक्त होने के बाद पीड़िता ने आगे की पढ़ाई की बात को स्वीकार करते हुए आगे कहीं भी नहीं जाने की बात को स्वीकार किया है। आप दिल्ली जाना चाह रहे थे? आप तो घर जाएगी ना? जी हाँ। आप किसी के बहकावे में नहीं ना आएगी? नहीं, कभी नहीं। अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छा से पढ़ाई कर। कितना पढ़ाई कर रहे? 10वीं फर्स्ट डिवीजन की हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मानव तस्करी दुनिया भर की एक गंभीर समस्या है, जिसको लेकर साल 2010 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस घृणित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए मानव तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक योजना को अपनाया था। लेकिन क्या ये योजनाएं सिर्फ चर्चा करने के लिए है? क्या ये योजनाएं सिर्फ वैश्विक स्तर के नेताओं और प्रशासन के लिए बैठक करने का माध्यम भर ही रहेगा, या जमीनी स्तर पर भी इसकी कुछ सफलता देखने को मिलेगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन में लोगों के मददगार बनकर उभरे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने धनबाद के राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी है। खुद की राइफल नहीं होने की वजह से कोनिका को दोस्तों से उधार मांगकर टूर्नामेंट खेलना पड़ता था। 10 मार्च को सोनू सूद ने कोनिका को ट्वीट कर राइफल देने का वादा किया था। यह राइफल जर्मनी से आने की वजह से धनबाद पहुंचने में देर हुई। बता दें कि कोनिका ने कहा है कि सोनू सूद ने खुद वीडियो कॉल कर उनसे बातचीत भी की। आपको बता दें कि कोनिका राइफल दलाने की गुहार मंत्री से विधायक तक लगा चुकी थी। कोनिका ने राज्य स्तर पर एक दर्जन से अधिक मेडल भी जीते हैं। 2017 में नेशनल टूर्नामेंट में झारखंड की ओर से सबसे अधिक पॉइंट कोनिका ने ही बनाए थे। तो अभिनेता सोनू सूद का साथ मिला है नेशनल शूटर कोनिका लायक को। सोनू सूद ने कोनिका लायक की मदद की है और आपको बता दे कि सोनू सूद ने उन्हें जर्मन राइफल 2.5 लाख की जर्मन राइफल भेजी है। और अब बिहार के राजनीतिक गलियारों की बात करेंगे। बिहार के राजनीतिक समीकरण का बदलना अब तय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के एक साथ आने के संकेत लगातार मजबूत हो रहे हैं। आरजेडी की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। आरजेडी महासचिव श्याम रजक ने कहा है कि बिहार के हित के लिए तेजस्वी चिराग साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान से आरजेडी नेताओं की लगातार बातचीत हो रही है। श्याम रजक से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने, जरा सुनिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, तेजस्वी यादव तो दिल्ली में है ही, और आप भी जो हमारे पास जानकारी है दिल्ली में खूब रहे हैं, 2-4 दिनों तक रहे हैं दिल्ली में। वाकई स्क्रिप्ट लिख ली गई है, ये दावा रहा है आरजेडी का कि खेल होगा। तेजस्वी यादव का बयान आया इस सवाल में, थोड़ा आप हमको समझा दीजिए, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। खेल तो उसी दिन हो गया जिस दिन नीतीश कुमार जी, जो नंबर 3 की पार्टी थी, वो सत्ता में बैठ गई, और जिस तरह का उनके जो इलाई है उसके अंदर जो घमासान छुटा हुआ है, वो घमासान इस बात को आगाज दे रहा है कि वो आज नहीं कल किसी समय वो धड़धड़ा करके ताश के पत्ते की तरह गिरेगी। ताश के पत्ते का महल लंबा नहीं चलता है, और अब तो बाढ़ आने वाला है, बाढ़ में तो और स्थिति खराब होगी, तो उनको गिरना तय है। इसमें कहीं दौरान उसमें हम लोग की बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है, वो खुद अपने कारणों से, अपने कर्मों से, वो अपने कला से वो टूटेंगे। जिस तरह से कालिदास पैर पर, उसी पैर पर को काट रहे थे डाल को जिस पर बैठे हुए थे, वही काम एनडीए के नेता लोग भी यही कर रहे हैं।
उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। चिराग पासवान की तरफ आप लोगों ने, आरजेडी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, तेजस्वी यादव ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, खबर है आप इसको कंफर्म करेंगे कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और रामविलास पासवान की जयंती या फिर श्रद्धांजलि सभा आरजेडी मनाने जा रही है। और इसको लेकर बाकायदा चिराग पासवान का बयान भी आया है एक टेलीविजन चैनल पर, उन्होंने कहा है कि देखिए अगर आरजेडी ऐसा करने जा रही है तो हम आरजेडी को धन्यवाद देंगे, हमारे पिता के बहुत अच्छे संबंध लालू प्रसाद यादव से रहे हैं और अब उनकी अगली पीढ़ी यानी तेजस्वी यादव भी हमारे पिता को सम्मान दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये श्रद्धांजलि सभा निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी लोजपा के नेता हो सकते हैं, थे, लेकिन वो जिस सवाल को लेकर लालू यादव लड़ते थे, गरीबों मजलूमों की, सामाजिक न्याय की, सांप्रदायिक सद्भाव की, उस लड़ाई के एक बड़े वाहक भी रामविलास जी रहे हैं। और आपको याद होगा जब एनडीए के लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने साजिश कर करके रामविलास जी को लोकसभा में परास्त करने का काम किया तो लालू यादव जी ने कहा कि रामविलास पासवान जैसे लोगों को संसद में जाना चाहिए और संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए गरीबों की, जनता की, और उन्होंने अपने कोटा से राज्यसभा में उनको भेजने का काम किया। ये कोई मरव्वत नहीं किया था, वो बिहार की जनता के सवाल के लिए और उन गरीब मजलूमों की आवाज़ के लिए रामविलास जी को उन्होंने भेजने का काम किया था। रामविलास जी बराबर दलितों की, गरीबों की, सब लोग की बात करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच नहीं है। 5 जुलाई को हमारा 25वां सालगिरह भी है, हमारी पार्टी का सालगिरह है, स्थापना दिवस है। 1997 5 जुलाई को हम लोगों ने ही उस समय गठन किया था लालू यादव के नेतृत्व में, और जो सवाल थे गरीबों के सवाल को लेकर करके, और 5 जुलाई को ही रामविलास जी की जयंती है, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी जयंती मनाएं, क्योंकि वो जयंती उन लोगों का इसलिए मनाते हैं कि हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और गरीबों को ये लगे कि हाँ उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को हम याद कर रहे हैं। इसलिए हम रामविलास जी की जयंती हम मनाने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। हम पहले जयंती मनाएंगे, उनकी श्रद्धांजलि देंगे, उनको पुष्पांजलि करेंगे, उसके बाद 11 बजे हमारा पार्टी दफ्तर में दीप जला करके तेजस्वी जी और दिल्ली में लालू यादव जी दीप जला करके उद्घाटन करेंगे, उसके बाद उसका कार्यक्रम चलेगा। पहले रामविलास पासवान की जयंती मनेगी, उसके बाद पार्टी का स्थापना दिवस का निश्चित निश्चित निश्चित। एक सवाल यह भी है सर कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और उसी दिन से चिराग पासवान अपनी आशीर्वाद यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं, सिर्फ आरजेडी रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी या चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में भी उनके साथ? नहीं, आशीर्वाद यात्रा उनकी अपनी पार्टी का है, उसमें हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मजबूती के साथ पूरे हर तरह से सक्षम होकर के कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी के साथ जो रामविलास जी का जो वोट बैंक था, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके प्रति जो आकर्षण था जिन लोगों का, वो सब लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। लाख एनडीए के लोग तोड़ने की कोशिश करें, ये हनुमान अपने आप को साबित करने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें हनुमान को इतिहास भी रहा है कि हनुमान कभी सत्ता में भागीदार नहीं रहा है, हनुमान सेवक रहा है। इनको भ्रम था कि हमको सत्ता में भागीदार देंगे, तो सत्ता में भागीदार की जब बात किए तो इनको एकलव बना दिया, इनका अंगूठा काट कर कर करके इनको पार्टी तोड़ दिया, तो इनको भी इस बात का एहसास हो रहा है, तो वो अब जनता के बीच जा रहे हैं, तो मेरी शुभकामना है कि वो उसमें सफलता प्राप्त करें, क्योंकि जनता आकर्षित है उनके लिए। चिराग पासवान तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहते रहे हैं, बिहार की सियासत में छोटे भाइयों और बड़े भाइयों की दोस्ती दुश्मनी खूब चर्चित रही है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी छोटे भाई बड़े भाई हैं, इनको बिहार ने, देश ने साथ आते देखा है, अलग होते देखा है, क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आते दिखेंगे? एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के तौर पर श्याम रजक क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों? आज पूरा देश कड़ा रहा है और बिहार तो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, या जो न्यायपालिका में जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, इन सारे सवालों को लेकर के पूरी जनता जो है वो अपने नज़र टिकाए हुए है कि कौन हमारे सवालों को लेकर सड़क पर आएगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन आगे आया हुआ है,
हम आशा करते हैं कि इस सवाल पर चिराग जी में भी वो भावना है, और आने वाले समय में मेरी अपेक्षा है कि चिराग जी भी जब ये सवाल पर वो लड़ना चाहते हैं तो निश्चित ये दोनों भाई मिल कर करके और दोनों लोग मिल करके महागठबंधन के साथ मिल कर करके और इसकी लड़ाई लड़ें, क्योंकि देश को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है और वो बहुत निकट समय है। अगर हम नहीं चेते तो देश को गुलाम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। चिराग पासवान ने एक और बात कही है। चिराग पासवान ने यह कहा है कि देखिए, कई दलों में हमारे मित्र हैं, बीजेपी के नेताओं से हमारी आधिकारिक बातचीत हुई है, नहीं हुई है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कई दलों में हमारे मित्र हैं, उनसे हमारी बात हुई है। क्या लालू जी से चिराग की बात हुई है, आरजेडी के बड़े नेता से चिराग पासवान की बात हुई है, आपसे चिराग पासवान की बात हुई है? देखिए, बातें लोगों की होते रहती है, राजनीति अलग है, संबंध अलग है। हमारे संबंध तो रामविलास जी के पारिवारिक संबंध रहे हैं और मैं तो उनके बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, चाहे दलित सेना के सवाल पर रहे हों, चाहे उनके बहुत सारे सवाल पर, चाहे वो जब लोक दल से उनको निकाला गया था उस समय चंद्रशेखर जी के साथ जोड़ने का काम मैंने ही किया था और उनको चुनाव लड़वाया था, वो हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया था, वो हार गए थे। जगपाल सिंह जो लोक दल के थे वो जीते थे, लेकिन हमारा संबंध रहा है और वो संबंध है। पूरे प्रकरण के बाद कोई बातचीत हुई? हमारी बराबर बात होती रहती है, लेकिन बात का मतलब नहीं कि राजनीतिक बात नहीं होती हमारी हरदम। जिस दिन उनके भाई ने, रामविलास जी के भाई ने दगा दिया, उस दिन भी हमारी बात हुई लगातार, जरूर हमारी चिराग प्रशांत से, हमारी भाभी जी से और लोग से बात होती रही है, पहले भी बात होती रही है, जब हम जदयू भी छोड़ रहे थे उससे भी हमारी बातचीत होती रहती थी, जब जदयू में थे तब भी बात होती थी। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा और सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, चूँकि आप एक संजीदा राजनीतिज्ञ हैं और बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत संवेदनशील सवाल है अश्लीलता को लेकर, एक भाषा को जिस तरीके से गंदा किया कुछ भोजपुरी कलाकारों ने मिलकर और जिस तरह से गंदगी परोसी जाती रही है, हमारा चैनल भी लगातार उसको लेकर अभियान चलाया जाता रहा है, क्या और इस तरह के गाने कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, हमारे और आपके बीच उम्र का जो फासला है, एक पत्रकार के तौर पर भी हम उन सवालों को आपके सामने नहीं रख सकते कि किस तरह के गाने आ रहे हैं आजकल, क्या होना चाहिए इस गंदगी को दूर करने के लिए? देखिए, भारत सरकार के सेंसर बोर्ड होते हैं और राज्य सरकारों के पास भी जनसंपर्क विभाग है जो इन चीज़ों को बहुत ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस चीज़ों पर नज़र रखती है और चीज़ों पर, और कला एवं संस्कृति विभाग जो है वो भी इन चीज़ों पर बहुत नज़र रखती है, और लेकिन सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि इनकी प्राथमिकता संस्कृति नहीं है, इनकी प्राथमिकता अब संस्कृति, इसलिए इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश की संस्कृति को ख़त्म करने का काम, देश की जो हमारी राष्ट्रीयता है उसको परिवर्तित करके उसका परिभाषा बदलने का काम इस एनडीए के द्वारा हो रहा है, और ये बड़ी दुर्भाग्य है। हम आम जनता से कहेंगे कि ऐसे लोगों का प्रतिवाद करना चाहिए, और सरकार को भी मैं सलाह देना चाहूँगा एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि आप इस चीज़ों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि संस्कार रहेगा, संस्कृति रहेगा, तभी राज्य रहेगा, समाज रहेगा। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के, और सिर्फ आरजेडी के नहीं, बिहार की दिग्गज राजनीतिक शख्सियत हैं और बहुत ईमानदारी से, बहुत बेबाकी से सवालों के जवाब देते हैं, और इसीलिए राजनीति के जो लोग हैं उनमें अलग नज़रिए से देखा जाता है, थोड़ा इनका यही अंदाज और मिजाज इनको दूसरों से अलग बनाता है। तो श्याम रजक जी से हम बात कर रहे थे, जो भी राजनीतिक सवाल हैं मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर, उसको हमने समझने की कोशिश की, उसके जवाब तलाशने की कोशिश की। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।